नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ललित प्रताप यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये खास वीडियो है इन बच्चों के लिए। ये है विवेक और साथ में शुभांश। वैसे भी क्रिकेट में जो उपलब्धियाँ होती हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, बहुत मायने रखती हैं। इन दोनों बच्चों का हॉस्टल के ट्रायल्स में सिलेक्शन हुआ है, जो उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की तरफ से हर साल ट्रायल कराए जाते हैं, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनका जो सफ़र रहा है, कैसा सफ़र रहा है और इन्होंने क्या स्ट्रगल करी है, उसके बारे में ये दोनों ही अपनी ज़ुबान से बताएंगे। इस हॉस्टल का थोड़ा सा मायने इसलिए बन जाता है क्योंकि बुंदेलखंड के एक ऐसे क्षेत्र से ये बच्चे आते हैं जहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहता है। जो लड़का इंडिया खेलना चाहता है उसके लिए एक आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, अमूमन मिल नहीं पाती, लोगों के पास होती है, लोग देना नहीं चाहते, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग बिजनेस करने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको बिजनेस करना ही है तो पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले माहौल आपको देना पड़ेगा, तभी आपको उससे इन्वेस्टमेंट निकल के सामने आएगा। बिना उसके इन्वेस्टमेंट के या बिना सपोर्ट के कोई खिलाड़ी आगे बढ़ नहीं सकता, और लोग पूरा इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा अकेडमियाँ या खेल संस्थान बंद हो जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग जाएंगे, अभी अपने स्टेट से खेलेंगे और आगे अगर इनकी मेहनत अच्छी रही या इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो ये आगे तक जाएंगे। पूछेंगे विवेक से कि विवेक उसकी जर्नी कैसी रही, उसके फादर क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो विवेक अपनी जवानी खुद बताएगा। मैं विवेक यादव, मैं स्पोर्ट हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ है मेरा नाम विवेक यादव है, पिताजी का नाम श्री राहुल यादव है। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तब मेरे पापा रिटायरमेंट हो चुके थे। जब खेलना स्टार्ट किया तो फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद जब मेरे घर वालों ने स्किल देखी तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट करना चालू किया, मेरे पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, फिर से करने लगे, फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने लगा। थोड़ा स्थिति थोड़ा सही नहीं थी, मेरे घर में काफ़ी लोग पढ़ने वाले हैं, इस चक्कर में घर वाले ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, अब सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे घर वालों को बहुत खुशी है कि मैं स्पोर्ट हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ मेरा, और मेरे सबसे ज़्यादा कोच को सबसे ज़्यादा खुशी है कि वो मेहनत कराते रहे, करते रहे। मेरा नाम शिवांश है, मेरे फादर का नेम मिस्टर शिव बहादुर सिंह है। जब मैं खेलना शुरू किया था, मेरे पापा एक प्राइवेट टीचर हैं, मैंने खेलना शुरू किया था तब मैं 8 साल का था। मुझे क्रिकेट खेलते हुए 4 साल हो गए हैं। पहले मैं स्टेडियम में खेला करता था, तब मुझ पर वहाँ के कोच ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैं यहाँ आया, मुझ पर सर ने ध्यान दिया, मेरा गेम इम्प्रूव किया। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। हॉस्टल में होने से एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो आर्थिक मदद खेल के लिए घर से नहीं हो पाती थी, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और पढ़ाई के लिए वो दे सकते हैं। तो घर वाले अब सपोर्ट भी करते हैं और उन्हें टेंशन नहीं है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये जब हॉस्टल का ट्रायल देने गए थे यहाँ बांदा जिले से, बांदा डिस्ट्रिक्ट से, हो गया, फिर चित्रकूट गए, चित्रकूट से वहाँ अच्छा हुआ, और फिर 3 दिन का टाइम कानपुर में हुआ, वहाँ मैचेस खेलने के लिए मिले, अच्छे मैचेस थे कपला क्लब में। उसके बाद हमको ये पता नहीं था कि हमारा होगा या नहीं होगा, कि 80 लोगों के बीच में हम लोग खेले। जब 15 दिन का कैंप हुआ, उसके बाद हम मैचेस वहाँ खेले, फिटनेस किए, 15 दिन का अच्छा कैंप हुआ। उसका इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि इन बच्चों ने जो बुरे दौर देखे हैं, जितनी तिरस्कार देखे हैं, ये लगभग हर खिलाड़ी चाहे वो जिस फील्ड का हो सब देखता है। अब इनको वो स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी, अब इनको एक अच्छा माहौल मिलेगा, इनको प्रॉपर डाइट मिलेगी, जिससे ये पूरा फोकस अपने गेम पे कर पाएंगे। अगर आप भी सच्चे खिलाड़ी हैं तो इस वीडियो को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे ये वीडियो सर्कुलेट हो और चैनल जितना ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, तो ऐसे न जाने कितने विवेक और शिवांश भविष्य में अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। सपने टूटने का दर्द उसी को होता है जिसका सपना टूटता है। एक खिलाड़ी दिन रात ग्राउंड में मेहनत करता है और जब उसको सफलता नहीं मिलती
किसी दूसरे की वजह से, तब कितनी निराशा, कितनी हताशा होती है ये खिलाड़ी ही जान सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, जिससे जो भी हम कुछ कर सकते हैं इन खिलाड़ियों के लिए, आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, तो हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमको धनराशि दें, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि वीडियो को सर्कुलेट करें, देखें, जिससे हम आने वाली नए युवा पीढ़ी को तैयार। आपके द्वारा किया गया छोटा सा सपोर्ट आने वाले कई खिलाड़ियों का सपना पूरा करेगा, हो सकता है इनमें से आप भी हों। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।